नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आई नजर डालते हैं प्रदेश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। ऐसा लगता है कि फसल पर ओले नहीं पड़े बल्कि हार्वेस्टर लेकर पूरी फसल ही काट दी गई है। यही नहीं, पत्थर खेत में पटके हैं। ये बातें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को ग्वालियर के देहात इलाकों में फसल के नुकसान का जायजा लेते हुए कही। अगर ट्रेन का टिकट बुक कराते समय कन्फर्म टिकट नहीं मिल रहा हो तो आपको परेशान होने या दलालों के पास जाने की जरूरत नहीं है। रेलवे प्रशासन जल्द ही ऐसी व्यवस्था करने जा रहा है जिसमें आप अगर स्लीपर क्लास में वेटिंग का टिकट ले भी लेते हैं तो वो आपकी यात्रा की तारीख तक कंफर्म हो जाएगा। इंदौर शहर में गुरुवार को आठवीं बार ग्रीन कॉरिडोर बनाकर 34 वर्षीय ब्रेन डेड मरीज का हार्ट और लीवर दिल्ली पहुंचाया गया, जबकि दोनों किडनियां इंदौर में ही अलग अलग हॉस्पिटलों को दी गयी। अंग जब यहाँ से ले जाया जा रहे थे तब माँ और नानी भावुक होकर बोली, जिसको भी लगे वो खूब फले फूले, खूब जिए। खरगोन की जतापुर चौकी के एएसआई सालिग्राम पाटिल ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना बुधवार को सुबह 11:15 बजे जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम में हुई। पाटिल आत्महत्या करने वाले युवक का शव पीएम के लिए यहां लाए थे। उनकी पत्नी का कहना है कि काम के दबाव में उन्होंने ये कदम उठाया, जबकि एएसपी का कहना है कि एएसआई की बेटी ने मुस्लिम लड़के से शादी कर ली थी, इससे वो और अन्य पारिवारिक कारणों से वे परेशान थे। भोपाल में गुरुवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। विधानसभा में हुई इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई और कुछ प्रस्तावों को मंजूरी भी दी गई। इस दौरान प्रदेश सरकार ने चौथा सप्लीमेंट्री बजट पेश किया। कैबिनेट बैठक में एक दर्जन मुद्दे रखे गए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चौथा अनुपूरक बजट का प्रस्ताव रहा। सर्वसहमति से बैठक में 4,000 करोड़ के सप्लीमेंट्री बजट को मंजूरी दे दी गई। बैठक में स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर हुई चर्चा के दौरान कंपनी के गठन को भी मंजूरी दी गई। भोपाल में भेल कारखाने के किसी भी गेट पर कर्मचारी अधिकारियों के वाहनों या भारी वाहनों को बिना किसी रुकावट के आने जाने के लिए सभी गेटों को डिजिटल तैयार किया जा रहा है। पहले चरण में गेट नंबर 9 तैयार किया गया है, जिससे खाली और भरे हुए वाहन को चेकिंग के दौरान गेट पर ज्यादा समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ, और इसी के साथ ही आप अपना स्मार्टफोन पर गूगल पे में जाकर EMS TV की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।